फेस्टिवल डेली लाइफ, पार्टी चाहे जो भी हो, हमें खुशी मिलती है अच्छा दिखने से, और इसके लिए चाहिए बेस्ट आउटफिट, और इसे पूरा करने के लिए विमेंस स्पेशल धी पनाश। यहाँ आपको मिलेगी कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, हैंडलूम, डिजाइनर साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड के लिए साड़ियाँ, रेडी टू वेयर साड़ियाँ, डिजाइनर लहंगों की प्रीमियम रेंज, रेडी टू वेयर ब्लाउज, हैंड एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज, डिजाइनर एवं एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, एजेंसी हाउस आर्केट, ग्राउंड फ्लोर, क्लॉक टावर के सामने, एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, मान निकोबार। डिगलीपुर पुलिस थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल महिला कांस्टेबल का कार में रंगरेलियां मनाते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मध्योत्तर अंडमान जिले के पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 पुलिसकर्मियों का डिगलीपुर से तबादला कर दिया। बता दें कि डिगलीपुर थाने के एक पुलिस कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल राधा गोविंद मंदिर के सामने कार में आपत्तिजनक स्थिति में थे। दोनों कांस्टेबल्स का एक युवक ने रंगरेलियां मनाते हुए वीडियो बनाया। वीडियो बनाए जाने से नाराज कांस्टेबल ने युवक को देख लेने की धमकी दी। बाद में पता चला कि पुलिस ने वीडियो बनाने वाले लड़के को गांजे तस्करी के केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर डिगलीपुर में पुलिस के रवैये को लेकर काफी गुस्सा है। मामला बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक ने डिगलीपुर के 3 पुलिस कांस्टेबल को दूसरे थाने में स्थानांतरित कर दिया। अब देखने वाली बात है कि क्या पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कांस्टेबल पर कार्रवाई होगी या फिर केवल तबादला कर पुलिस मामले को रफा रफा कर रही है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।